आज हम कुछ ही सेकंड्स में जो है फ्रैक्शन को जो है सबट्रैक्ट करना सीखेंगे, और वो भी वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो एंड मिक्स फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम वो फ्रैक्शन ले लेते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। सपोज मैंने फ्रैक्शन लिखी 5/8 एंड 4/8। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। सो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो जब फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है तो वो कॉमन डिनोमिनेटर हमने लिख लिया 8 और न्यूमरेटर को हम माइनस कर देते हैं, दैट इज 5 - 4, दैट इज 1/8। हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं उन फ्रैक्शंस के जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लाइक 2/3 एंड 3/5। अब मुझे जो है इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना है। इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, और ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों। 3 5 से कितना हो गया 50, उसके बाद हम इसको इससे और इसको इससे, तो 2 5 से कितना हो गया 10 और 3 3 से कितना हो गया 9। अब 10 - 9 कितना हो गया 1/15 हमारा आंसर आ गया, है ना, इजी। अब लाइक अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं 3/5 एंड 4/10, मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना। सो मैं कैसे करूंगी, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, 5 और 10 कितना हो गया 50, ठीक है। उसके बाद 3 को 10 से, 4 को 5 से, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30, और 4 और 5 को करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, 4 5 से 20। अब दोनों को माइनस कर देते, 30 - 20 कितना आ गया 10, और ये हो गया 50। ओके, अब जो हमारे पास फ्रैक्शन में जो आंसर होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लोएस्ट फॉर्म मीन्स जो फर्दर और कैंसिल ना हो। जैसे 10 और 50 दोनों किसी और टेबल में आते हैं, इसमें आते हैं 10 में आते हैं। 10 की टेबल में 10 कब आता है 1 पे, 50 कब आता है 5 पे, अभी हो गया 1/5 अब और किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो ये 1/5 का हो गया लोएस्ट फॉर्म। सो हमारा आंसर क्या हो गया 1/5। तो इस तरीके से आप जो है फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स पे। इट इज वेरी हेल्पफुल जब आप ओलंपियाड का पेपर करते हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन कुछ एग्जाम दे रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो है टाइम कम होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शंस की। लाइक अगर मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है 2/1/4 और है 1/1/3, इन दोनों को मुझे जो है सबट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का सबट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलूंगी, है ना। सो कैसे बदलेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे प्लस। सो ये हो गया 4, 4 2 8, 8 + 1 9, ठीक है। नाउ 3 डिनोमिनेटर एज इट इज, 3 1 3 + 1 कितना आ गया 4। अब दोनों को माइनस कैसे करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 सा कितना हो गया 12। ओके, अब इन दोनों को 9 3 सा 27, 4 4 सा कितना हो गया 16। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11/12, ये हमारा आंसर आ गया। अब लाइक अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 5 from subtract 5 from 6 3/5, सब्ट्रैक्ट करो 5 को फ्रॉम इसमें से, तो इट मीन्स ये बड़ा नंबर हो गया। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 10 - 8, तो जो बिगर नंबर है वो ऊपर आएगा और जो स्मॉलर नंबर है वो नीचे आएगा, है ना। सो इसको इधर लिखेंगे और 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में बदलते हैं। इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा वो प्लस इससे। सो 5 6 30, 30 + 3 कितना हो गया 33/5 - 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा 1। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करें तो 1 की टेबल में 5 कब आता है 5 पे, तो जो क्वेश्चन है वो डिवाइड करते हैं जब हम, तो जो क्वेश्चन होता है वो डिवाइड का आंसर होता है, तो आंसर 5 ही आ गया, है ना। सो इट मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर 1 लिखे तो कोई जो है होल नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सभी ने माइनस करना है, कैसे माइनस करें, 5 1 = 5, 33 1 = 33, 5 5 = 25। अब दोनों को माइनस करोगे कितना आ गया 8/5, ठीक है। अब हम कभी भी आंसर जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं जोड़ते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में।
तो कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर है वो हमारा हो गया डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर है वो हो गया हमारा डिवाइजर। 5 की टेबल में 8 आते हैं, नहीं उससे कम क्या आता है, उससे कम क्या आता है, 5 आता है, 5 वन 5 और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 3। तो जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, जो क्वेश्चन है वो डिवाइड का आंसर है, इट मीन्स वो होल नंबर है 1 और रिमाइंडर जो बचा वो न्यूमरेटर होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 3/5। सो हमने जल्दी से कुछ ही सेकंड्स में जो है फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट कर लिया और ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जब आप कभी भी अगर एंट्रेंस एग्जाम दोगे या कोई ओलंपियाड का पेपर दोगे, ऑनलाइन दोगे, जैसे ऑनलाइन आजकल ब्रिक्स मैथ्स हो गया, तो कभी भी अगर आप कुछ भी अगर आप ऑनलाइन या एंट्रेंस कुछ भी दे रहे हो तो आप जो इसका यूज जो है ट्रिक का यूज जो है कर सकते हो। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो देन काइंडली लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।